नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल PLC ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन चेक करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करना है, मीन्स थ्योरी वीडियो में मैंने ये बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करना, मीन्स फंक्शन कोड 1 को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि क्वाइल के स्टेटस को कैसे रीड करता है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। एक क्वेश्चन में मैंने क्वाइल 1 को ऑन कराया था और दूसरे क्वेश्चन में मैंने 12 क्वाइल को रीड करना, मीन्स एक साथ मल्टीपल डिवाइस के डेटा को कैसे रीड करना है, मीन्स क्वाइल को, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। अगर आप थ्योरी वीडियो को नहीं देखें तो कृपया उन सभी वीडियो को देखिए ताकि अच्छे से आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो पाए और मैंने ये जितने भी कोड लिखे इन सभी कोड को आप अच्छे से समझ पाए, तभी जाके आप मोडबस सिमुलेटर और मोडबस मास्टर और सिमुलेटर का यूज़ करके आप डेटा को वेरीफाई कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरी वीडियो को देखिएगा, उन सबका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा था कोड और उसका मिटा दिया था क्योंकि व्हाइट बोर्ड मेरा बहुत छोटा था। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व करा के दिखाता हूँ आपको, आपको बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर दें तभी जाके आप मोड बस पे कमांड कर पाएंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मीन्स क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा था कि रीड 12 क्वाइल स्टार्टिंग 8:33, मीन्स स्टार्टिंग जो एड्रेस है मेरा 33 नंबर क्वाइल से स्टार्ट है एंड फ्रॉम द PLC स्लेब एड्रेस 2, मीन्स जो स्लेब का आईडी है, स्लेब आईडी है मेरा 2 नंबर है और 33 नंबर क्वाइल से मुझे डेटा को रीड करना था और कितना डेटा को रीड करना था, 12 डेटा को रीड करना था। रिस्पांस विथ क्वाइल्स 40 नंबर की क्वाइल एंड 42 नंबर की क्वाइल इज ऑन एंड अदर्स क्वाइल्स ऑफ, मीन्स ये बोल रहा है कि जो हमारा स्लेब डिवाइस ये बता रहा है कि 40 नंबर और 42 नंबर की क्वाइल आने, इसके अलावा जितने भी क्वाइल्स हैं वो ऑफ है जिनकी स्टार्टिंग एड्रेस मेरी 33 है। थ्योरी वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। देखिए ये रिस्पांस मीन्स ये जो हमारा मोड बस मीन्स जो मास्टर हमारा रिक्वेस्ट भेजता है उसका ये मैसेज का फॉर्मेट होता है, जिसमें हम सबसे पहले स्लेब आईडी फंक्शन कोड नंबर ऑफ द बाइट्स डेटा रीड राइट बाई मास्टर एंड रीड डेटा, जो वैल्यू हम रीड करते हैं वो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो उसी का ये जो 12 क्वाइल को रीड करने के लिए और स्टार्टिंग एड्रेस 33 से जो रिक्वेस्ट मैंने भेजा था उसका ये कोड जनरेट हुआ था, ठीक है। देन आफ्टर स्लेब ने मुझे एक आंसर अपना रिप्लाई दिया था, मीन्स रिस्पांस दिया था, तो उसका कोड ये जनरेट हुआ था। तो ये दोनों कोड को आज हम आज के इस लेक्चर में वेरीफाई करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कम्युनिकेशन और इसका कमांड सीखना है तो आपको प्लीज़ सभी थ्योरी और प्रैक्टिकल वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप बेहतर कमांड कर पाएंगे मोडबस कम्युनिकेशन में। तो वंस अगेन मैं इस पे आ जाता हूँ अपने से जो सॉफ्टवेयर है। देखिए मोड स्कैन 32 ये मेरा मास्टर का काम करेगा, मोड स्कैन 32 ये मेरा स्लेब डिवाइस का काम करेगा। इस दोनों सॉफ्टवेयर को कैसे चलाते हैं और कैसे डाउनलोड करते हैं मैंने शुरू के वीडियो में प्रैक्टिकल वीडियो में बता रखा है। वंस अगेन जैसे ही इसको ओपन करके कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, वंस अगेन फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने पर एक न्यू पेज को हम क्रिएट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे और पूरे डेटा को आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ। वंस अगेन इसमें भी ये मोड सिम 32 में जो स्लेब का काम करके इसमें भी एक पेज क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास सिमुलेटर में इसको वेरीफाई करा रहा हूँ, क्योंकि रियल में मेरे पास अभी डिवाइस है नहीं और बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं होता है डिवाइस, तो वो सिमुलेटर पर कैसे अपने मोडबस कम्युनिकेशन को सीखे और अपने सभी कंसेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन अब देखिए मेरा दोनों का डेटा सेम होना चाहिए। देखिए अभी क्या नॉट कनेक्टेड का मैसेज आ रहा है, डिवाइस नॉट कनेक्टेड का मैसेज आ रहा है क्योंकि मैंने अभी कम्युनिकेशन किया नहीं है। वंस अगेन देखिए मेरा क्या था, अभी ये शुरू में ये बताया गया था कि आपको 33 नंबर क्वाइल से डेटा को रीड करना था। देखिए 12 क्वाइल मीन्स 12 क्वाइल को रीड करना, स्टार्टिंग एड्रेस मेरा 33 होगा और स्लेब आईडी 2 होगा, जैसे कि मैं समझा रखा हूँ। वंस अगेन यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग एड्रेस मेरा कितने नंबर से बोला था, 33 नंबर क्वाइल से ऑन करने के लिए बोला था स्टार्टिंग एड्रेस, और स्लेब आईडी क्या था मेरा 2 था, ठीक है। और क्वाइल्स को रीड करना था तो फंक्शन कोड 1 रखेंगे, और कितने क्वाइल्स को रीड करना था वो डेटा हम यहाँ पे फीड करते हैं, मीन्स 12 क्वाइल के डेटा को रीड करना था, तो ये हो गया। वंस अगेन इसमें भी स्लेब में भी सेम टू सेम करेंगे, मेरा कितने से डेटा को रीड करना था 33 है 0033, ठीक है। और कितना डेटा मुझे रीड करना है 12 डेटा को, मीन्स 12 क्वाइल की स्टेटस को रीड करना था, स्टार्टिंग एड्रेस मेरा 33 रहेगा, ये होल्डिंग रजिस्टर है तो हम फंक्शन कोड 1 पे कर देंगे, मीन्स क्वाइल की स्टेटस को रीड कर रहे हैं, तो ये मेरा क्वाइल 33 से लेकर 44 तक क्वाइल मेरे 12 क्वाइल बनेंगे, और मेरा डिवाइस आईडी जो है ये स्लेब का डिवाइस आईडी है, यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया, मीन्स ये यही जो स्टेशन आईडी है स्लेब स्टेशन आईडी सेम टू सेम वही पैरामीटर, ये पूरा पैरामीटर हम सेम टू सेम इसमें ही पेस्ट करके, क्योंकि मैं शुरू के लेक्चर में बताया था मोड बस मीन्स
मोडबस पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप मैं बताया था कि कैसे करना है। इतना सब होने के बाद वंस अगेन मैं कनेक्शन में जाऊंगा, यहां पे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अब कनेक्ट करने के लिए कॉम पोर्ट 8 इसलिए बता रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे वर्चुअल सीरियल पोर्ट किट यूज़ किया था, तो ये कॉम पोर्ट 8 और कॉम पोर्ट 9 का यूज़ किया था, जिसे मास्टर और स्लेव को आपस में कम्युनिकेट किया हूँ, वर्चुअली कम्युनिकेट किया हूँ। ये सिमुलेटर पे यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसका कैसे यूज़ करते हैं मैं शुरू के ही लेक्चर में बताया था। अब देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, ये सेम टू सेम यही कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर ये मेरे इसमें होने चाहिए, स्लेव डिवाइस में होना चाहिए। इसको भी कनेक्शन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे कनेक्शन में जाएंगे, कनेक्शन पे यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर 9 पे जाऊँगा क्योंकि इस पर मैंने पोर्ट नंबर 9 सेटअप किया था। यहाँ पे देखेंगे तो कॉम पोर्ट 8 टू कॉम पोर्ट 9, तो यहाँ पे कॉम पोर्ट 9 का इसीलिए मैंने ओपन किया। और ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स हैं यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर सेम होने चाहिए, ठीक है, तभी जाके प्रॉपर कम्युनिकेट करेगा। वंस अगेन मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे नॉट कनेक्टेड का मैसेज डिसअपीयर हो गया, और इसको भी मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये भी मैसेज मेरा आउट हो गया, मीन्स दोनों मास्टर और स्लेव दोनों डिवाइस आपस में कम्युनिकेट हो गई हैं, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था देखेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि क्वाइल नंबर 40, क्वाइल नंबर वन सेकेंड मैं जैसे ही पेज को हटा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्वाइल नंबर 40 और क्वाइल नंबर 42 मेरे क्या है ऑन है, इसके अलावा सभी मेरे क्वाइल्स ऑफ हैं। अब इसको मैं देख लेता हूँ, तो देखिए स्लेव डिवाइस जो मेरा है क्वाइल नंबर 40 और क्वाइल नंबर 42 ऑन है, तो क्वाइल नंबर 40 के सामने कर्सर लेके जाएंगे, 2 टाइम क्लिक करेंगे तो राइट क्वाइल आ जाएगा। ये एड्रेस मेरा 40 है, जो वैल्यू है ना ये ऑफ है, मीन्स ये मेरा क्वाइल है तो ये ऑन या ऑफ होगा, तो अभी क्या है मेरा ऑफ है, मैं इसको ऑन पे कर दूंगा। ऑन पे करने के बाद इसको अपडेट कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे वन किया 40 नंबर पे, तो वन सेकेंड यहाँ पे भी देखिए 40 नंबर हाई हो गया। अभी ये यहाँ पे 42 नंबर जीरो है और यहाँ पे भी 42 नंबर जीरो, मीन्स 42 नंबर का क्वाइल का आउटपुट मेरा क्या है ऑफ है। वन सेकेंड मैं इसको अब 42 नंबर पे लेके कर्सर को जाता हूँ, ओके करता हूँ। अभी देखिए 42 नंबर एड्रेस 42 नंबर ऑफ है। वंस अगेन मैं जैसे ही इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा 42 नंबर ए भी मेरा वन हो जाएगा, मीन्स हाई हो जाएगा। मीन्स ये स्लेव में जो मैंने डेटा, मीन्स जो भी आउटपुट्स मेरा ऑन हुआ वो मास्टर रीड कर रहा है। देखिए अभी क्या है 42 नंबर एक क्वाइल मेरा ऑफ है, मैं जैसे ही इसको ऑन करूँगा तो इसमें भी हाई हो जाएगा क्योंकि ये मेरा मास्टर और स्लेव के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, तो ये पूरे डेटा को मीन्स स्लेव के डिवाइस के डेटा को रीड कर रहा है। वंस अगेन मैं इसको अपडेट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी वन हो गया और मेरा डेटा यहाँ पे भी वन हो गया, मीन्स ये जो स्लेव डिवाइस में जो भी डेटा मैं राइट कर रहा हूँ ये मास्टर मेरा रीड कर रहा है। हालाँकि ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये था कि ये जो कोड जनरेट हुआ ये कोड क्या सही है या फिर नहीं है, इसी को मुझे वेरीफाई करना था। वंस अगेन मैं अपने पेज पर आ जाते हैं और इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। वंस अगेन अब देखते हैं, अच्छा इसके कोड को देखने के लिए यहाँ पर आएंगे तो शो डेटा मतलब ये वैल्यू दिखाता है, और यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखाएगा शो ट्रैफिक ही आपका डेटा का कैलकुलेशन बताएगा। यहाँ पे शो ट्रैफिक पे देखिए इतना डेटा मेरा राइट होते जा रहा है, अब ये मेरा वैल्यू राइट हो रहा है, मीन्स ये कोड जनरेट हो रहे हैं। इस कोड को मैं वंस अगेन मैं यहाँ पर अभी जाके डिसकनेक्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसको वेरीफाई करा के दिखाता हूँ। अब देखिए जो जितने भी ये ब्लैक वाले हैं मेरा ये रिस्पॉन्ड है, मीन्स ये स्लेव डिवाइस ये मेरे को आंसर में दिया है, और ये मास्टर ने जो क्वेश्चन पूछा ये जो ग्रे वाले हैं ये क्वेश्चन पूछा है मास्टर ने, तो मैंने ऑलरेडी इसको कम्युनिकेट कर रखा है। इतने देखिए इतने रिस्पॉन्स ही दोनों दे रखा है, 42 बार मास्टर ने आज का किया, 41 बार स्लेव डिवाइस ने मेरा बताया, इसीलिए इतने सारे कोड हो गए हैं। वंस अगेन अगर आप इसको चेक करेंगे कोड को, मैं इसको अगर आप शुरू से करेंगे तब जाके ये फिर डेटा शुरू से दिखाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, बट अभी के लिए मैं कोड को वेरीफाई करा देता हूं। अब देखिए ये जो है जो ग्रे दिख रहा है जितने भी ग्रे, ये मेरा स्लेव मीन्स मास्टर ने ये रिक्वेस्ट भेजा है, और ये ब्लैक वाला स्लेव ने रिस्पॉन्स भेजा है। अब देखिए 02 मेरा स्लेव आईडी कितना था, 02 है, फंक्शन कोड क्या है मेरा 1 है, और स्टार्टिंग एड्रेस मेरा 0 है, और स्टार्टिंग एड्रेस का जो हायर बाइट ये मेरा 0 है, लोअर बाइट 20 है। अब इस कोड को मिलाइए एक बार, अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। इस कोड को मिलाइए यहाँ पे 02 मास्टर ने क्या कोड भेजा है, 02 फंक्शन कोड 1, यहाँ पे देखिए 02 फंक्शन कोड 1, और देखिए जो स्टार्टिंग एड्रेस का हायर बाइट की वैल्यू क्या है 0 है, लोअर बाइट की वैल्यू क्या है मेरा 20 है। तो देखिए 0 और 20 हायर बाइट की वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ पे देखेंगे तो 20 है। सी डेन आफ्टर क्या है, यहाँ पे 0 है और सी है, 0 सी मेरा क्या है यहाँ का स्टार, मीन्स जो डेटा मैं राइट कर रहा था
ये 40 और 42 का, तो ये मेरा क्या है, जीरो सी। यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू जीरो सी आया है, तो यहाँ पे जीरो सी है। ये मास्टर ने मेरा रिक्वेस्ट भेजा था और 2 बाइट में मैंने बोला था कि एरर है जो सिस्टम कैलकुलेट करता, तो दोनों बाइट का एरर देखे सिस्टम ने कैलकुलेट किया 3D और F16, ये मेरा एरर है। आप देखेंगे तो शुरू में मैंने क्या बताया था कि स्लेब आई डी मेरा 02, यहाँ पे देखेंगे तो स्लेब आई डी 02, फंक्शन कोड 1 मीन्स 01, यहाँ पे फंक्शन कोड देखेंगे तो 01 मिल जाएगा। वंस अगेन मैं कोड को वेरीफाई करा देता हूँ, देखिए जी मास्टर जो मुझे जो रिक्वेस्ट भेजा था स्लेब का वो ग्रे वाला है, तो 02 यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन कोड मीन्स स्लेब आई डी 02, फंक्शन कोड 01 01 और 00, जो हायर बाइट की वैल्यू, जो नंबर ऑफ द बाइट्स रीड बाय मास्टर के द्वारा, इसका हायर बाइट की वैल्यू क्या है 00 है, तो इसका भी हायर बाइट की वैल्यू 00 है। देन आफ्टर लोअर बाइट की वैल्यू मेरी 20 है, तो यहाँ पे भी 20 दिख रहा है। देन आफ्टर आप ये चेक कर सकते हैं कि 00 उसके बाद है तो 00, और कितना मीन्स कितने डेटा आपने जो राइट किया था 40 और 42 नंबर जो क्वाइल ऑन हुआ था, इसकी जो बाइनरी वैल्यू बनी थी उसका मैंने हेक्स कोड में कन्वर्ट किया था, तो क्या आया था 000C आया था। जब थ्योरी वीडियो देखेंगे तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा, तो 000C और मेरा एरर कोड है। अब रिप्लाई कैसे किया, रिप्लाई ये ब्लैक वाला मीन्स ये अब जो ब्लैक वाला है ना, ये रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो वंस अगेन मैं इसको अगर ऐसे करेंगे आप, यहाँ पे मैं इसको और मिनिमाइज करता हूँ, तो देखिए ये मेरा क्वेश्चन, ये मास्टर ने रिक्वेस्ट भेजा, स्लेब ने ये ब्लैक वाला, तो किसी भी ब्लैक वाले को लेकर डेटा कोड को मैच कर सकते हैं, सेम ब्लैक का कोड, सभी ब्लैक वाले कोड मैच कर जाएंगे हमारे। तो 02 इसने रिस्पांस में भेजा होगा, 02 01 मेरा फंक्शन कोड होगा, 02 यहाँ पे देखिए 02 ये मेरा आ गया, और ये मेरा 80 यहाँ पे 80 आ गया, और 02 ये है, और मेरा ये क्या है, ये दोनों एरर कोड है जो सिस्टम कैलकुलेट किया है। तो 02 मेरा तो ये तो स्लेब आईडी है, ये फंक्शन कोड है। जब आप शुरू में डेटा को पढ़ेंगे तो कितना बाइट मीन्स कितने डेटा को आपने रीड किया है, देखिए यहाँ पे 0 और 2, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे, अब जब स्लेब वाला थ्योरी वाले लेक्चर देखेंगे तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इस डेटा से मैच कर सकते हैं कि जो रिस्पांस हमारे स्लेब ने डिवाइस को भेजा था ये मेरा कोड ये बना था, 02 01 02 01 02 80 80 02 02, और मीन्स दोनों ए दो बाइट का एरर जो मेरा ये है एरर LD और FD। तो ये था कि मेरा वन क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन था जो मैंने कोड को मैच करा के दिखाया है। अगर आपको ये कोड नहीं समझ में आ रहा है ये सब है क्या मैंने क्या लिखा, तो थ्योरी वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थ्योरी वीडियो के तुरंत बाद ही आप इसके प्रैक्टिकल वीडियो को देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सलूशन कैसे निकाल सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं एक बार रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि आप ये इस क्वेश्चन पे मीन्स मूड बस पे क्वाइल के स्टेटस को रीड करने पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो पाए और इन सभी कोडों को आप मैच कर पाएँ। वंस अगेन जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो ये फिर देखिएगा ये कोड मेरे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे मास्टर स्लेब रिक्वेस्ट भेजते जा रहा है, यहाँ पे जितनी बार रिक्वेस्ट भेजते जा रहा है वो डेटा यहाँ पे दिखाते जा रहा है। तो ये बहुत सारे डेटा हो गए हैं, इसीलिए मैंने किसी भी डेटा को लेकर समझा दिया। वंस अगेन जैसे ही मैं शुरू में कनेक्ट करके डिसकनेक्ट कर दूंगा ना, तो फिर आप उस समय देख सकते हैं कि एक ही कोड मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।